हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं, इनके आने के चांसेस 99.9% है। लास्ट ईयर के पेपर उठा लो, सैम्पल पेपर उठा लो, कुछ भी देखोगे, यहाँ पर CBSE ने इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके 100 लाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आपके 100 नहीं लाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल भी मत करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कॉन्टेंट। तो चलो यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है। तो देखो, 2023 यानी कि लास्ट ईयर, आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आने लगे, MCQs आपके इंक्लूड हो गए। लेकिन अगर मैं उससे पहले की बात करता हूँ, यानी कि 2022, 20 या फिर 19 की, तो यहाँ पर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते थे, स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं आते थे, असर्शन रीजन बेस्ड नहीं आते थे, डायरेक्टली आते थे आपके कि भाई एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस, और डायरेक्टली आपको थ्योरी क्वेश्चन देते थे। तो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ईजी था। बट आज के टाइम पर क्या हो गया, घुमा करके देने की इनकी आदत हो गई है, तो हर चीज़ में कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले जब मैंने 2023 के पेपर्स को एनालाइज़ किया, सारे सेट्स को मैंने एनालाइज़ किया है, और यहाँ पर मुझे पता चला है कि जो आपका 11th क्वेश्चन है उस पर 95% चांस है कि आपको एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो नेशनल इनकम में कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे एक्सपेंडिचर का हो, बट 3 नंबर के हिसाब से होगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ईजी टाइप का होगा। तो अगर आपने 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, चलो 10-15 न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करके चले जाते हो यहाँ पर नेशनल इनकम के, तो आप आराम से 3 नंबर ही कर सकते हो, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। तो भैया 5% चांस किसके हैं, 5% चांस है आपके डिफरेंस के, यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिशन का डिफरेंस जरूर से जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको पेपर में, मतलब हो सकता है कि कहीं 12वें क्वेश्चन में, 13वें क्वेश्चन कहीं भी मिल सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसका डिफरेंस जरूर दिमाग में डाल के जाना। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बताया है कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं, तो उसकी वीडियो आई बटन पर है, जाकर के जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर अपन लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोनों की बात की गई है। तो आपको दोनों के अंडर देखना है कि कैसे यहाँ पर आपका जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट से आपका करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, रिपीट हुआ है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। प्लीज़ ये क्वेश्चंस को लिखते जाना, कहीं पर टॉपिक्स को लिखते जाना। बाकी मैंने भी जो है अपनी डायरी पर पूरा लिखा था, इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो अगर आपको नहीं लिखना है तो टेलीग्राम पर जाकर के इसको एक्सेस कर लेना। अब जो 13th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन। सो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ओवर द ईयर्स, दैट इज कि एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे आपके इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। ये दोनों ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके देखे गए हैं एंड ये आते ही आते हैं, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर करके जाओगे। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी इसकी जगह पे आ सकता है। सो आप, हो सकता है कि 13 क्वेश्चन पे आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए एग्रीगेट डिमांड से। अब देखो, यहाँ पर हो सकता है, बहुत कम चांसेस है कि आपको मल्टीप्लायर देखने को मिल जाए, यानी कि के की वैल्यू आपकी, या फिर जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल देखे हैं वो आए हैं भैया आपके MPC और MPS से, कि अगर आपका MPS बढ़ गया है तो चेंज इन इनकम क्या होगा, MPC बढ़ गया तो चेंज इन इनकम क्या होगा। तो ये जो MPC और MPS से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको एक न्यूमेरिकल वीडियो बना के दे दूंगा, उतने क्वेश्चन करके चले आना, उसी टाइप के क्वेश्चन आने। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तो संदीप गर्ग के PC के जितने क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, MPC और MPS से रिलेटेड, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। नाउ जब मैं 14 क्वेश्चन पे गया, मैंने सारे पेपर्स को लिटरली बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, और यहाँ पर मुझे पता चला है कि 14 क्वेश्चन पे आपको आता है कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई, यानी कि सेंट्रल बैंक कैसे इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये आता ही आता है। मतलब ऐसा एक भी सिंगल पेपर मुझे नहीं मिला, सिंगल ईयर नहीं मिला जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। सो यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसको आपको सारे पॉइंट पढ़ के जाना है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। इसके अलावा यहाँ पर जो रेपो रेट है और बैंक रेट है,
इस पर तो आपको डायरेक्टली केस स्टडी मिल जाएगी कि अगर यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है तो रेपो रेट से कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर महंगाई यानी कि महंगाई नहीं बढ़ रही यानी कि डिफ्लेशन हो रहा है बेसिकली, तो डिफ्लेशन के टाइम पर आप कैसे बैंक रेट से उसको खत्म करोगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लेना है, क्रेडिट क्रिएशन और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और मनी सप्लाई, मतलब इसको तो रट के जाना है। मतलब ऐसा कोई भी ऐसे सपने में उठ के पूछ लेना तो बता देना कि यार ये बिल्कुल इसका आंसर ये है स्टार्टिंग से एंड तक। 15 क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट बजट से आने वाला है, तो गवर्नमेंट बजट जो है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा और गवर्नमेंट बजट के फंक्शंस जो अपने स्टार्टिंग में दिए गए ना कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं, तो आपके रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे आ सकता है। सो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आपका डेफिशिएंट डिमांड भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि आपका जो डेफिशिएंट डिमांड, अब ये कौन से चैप्टर का है, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है ना उसमें थर्ड वाला चैप्टर है कि डेफिशिएंट डिमांड होती है तो क्या होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन 15th पे आ सकता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्वेश्चन आता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों चीज़ों का डिफरेंस ही पूछा गया है। इसके अलावा बहुत ही कम चांस है कि आपका ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग पढ़ लो, समझ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना और कैपिटल करंट अकाउंट का डिफरेंस पढ़ लेना, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऐसा ज़्यादा नहीं आया है, इसको एमसीक्यू में ज़्यादा यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं, तो 16th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो 16th क्वेश्चन हमारा आएगा नेशनल इनकम का, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका ज़्यादा नंबर का होगा भैया, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब जो नेशनल इनकम का क्वेश्चन होगा इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो कि मैंने लास्ट ईयर के पैटर्न से देखा, इसके पहले तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, लास्ट ईयर मैंने देखा 2023 में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दिया गया है, यस नेशनल इनकम पे एक थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। अभी जो थ्योरी क्वेश्चन है ये भाई ऐसा पर्टिकुलर किसी टॉपिक से नहीं आया है, बट थ्योरी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ना एक नेशनल इनकम की जब वीडियो बनाऊंगा तो एक बार सारे थ्योरी क्वेश्चंस उसमें करवा दूंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप नेशनल इनकम का पूरा न्यूमेरिकल करके जाओ, इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का। मेरे हिसाब से आपको तीनों मेथड करके जाना चाहिए, बहुत ईजी है यार, मतलब सिर्फ फॉर्मूला रट लो, वैल्यूज डाल दो, नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स नहीं भी बनते हैं तो उनके फॉर्मूला रट लो कि रेंट प्लस रॉयल्टी मिक्सड इनकम सब वाले वो रट लो, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइमर पूरा रट लो, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू का पूरा लिख दो, उसके हिसाब से वैल्यूज पुट कर दो, आंसर गलत भी निकालोगे आपको आधा नंबर कटेगा, पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा 16 क्वेश्चन में अगर नेशनल इनकम का क्वेश्चन आपको नहीं मिला तो आपको गवर्नमेंट बजट के ऊपर एक पूरा का पूरा केस, मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज मिल जाएगा, केस बेस्ड पैसेज, ठीक है। तो ये भी आपको मिल सकता है और ये रियल लाइफ पर होगा कि गवर्नमेंट बजट हो सकता भी 2 फरवरी को जो आया उसके बेसिस पर कुछ कर दे। 17 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, तो 17 क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई ग्राफ, कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई ऐसा पिक्चर टाइप का मतलब जो है आपका आएगा, और ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। लास्ट ईयर एक सिक्का दे दिया था, उसके बाद आना था कि आपके रेवेन्यू आइटम्स कौन से हैं, गवर्नमेंट बजट का था कि रेवेन्यू टैक्सेस कौन से हैं, और शायद एक और था, हाँ, कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, ये आपको बताना था। तो ये पिक्चर फॉर्मेट में दे दिया गया था। इसके अलावा आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और ये मोस्टली आपका गवर्नमेंट बजट पे आने के चांसेस हैं। तो आपको 17 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको थोड़े से करके जाना है, थोड़ा बहुत देख लो इजी आते हैं, और सेकंड पर फिर आपको नॉर्मल एक गवर्नमेंट बजट से इन लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। सो ये अपना एनालिसिस है यार 2023 के बेसिस पर कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये एक नया पैटर्न तो CBSE ने निकाला, उसको ही CBSE फॉलो करती है। सो अपन को इतने जो मैंने अभी तक बताए हैं ये तो आपको करके ही करके जाना है, इसमें कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको नहीं करना है, आपको ये मैंडेटरी है करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं भैया ये टॉपिक भी आ सकता है तो सबसे पहले उसको कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दो कि भैया मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से क्या है, तो मैंने यहाँ पर सारे पेपर्स को एनालाइज करके रखा, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी एक और वीडियो बनाऊँ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भैया इंडियन इकोनॉमी पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं, और अगर आप चाहते हो कि बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ऐसी वीडियो आए तो मैं सब कुछ एनालाइज करके आपके सामने रख दूंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, मतलब अपना दिल और जान लगा देना है, बाकी जो भी ज़रूरत होगी वो हमको बताओ, हम उसको पूरी करेंगे। सर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, और तुम्हारी तो हो ही रही है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।